दोस्तों, इस वीडियो में हम मैथ पजल के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, जिसके लिए आपको मिलेगा 30 सेकंड का समय। यदि आप ज्यादा समय चाहते हैं तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं पहला प्रश्न। टाइम स्टार्ट नाउ। यदि 3 × 4 = 19, 5 × 6 = 41, 2 × 4 = क्या होगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि यहाँ 3 और 4 को क्या करके 19 लिखा गया है और 5, 6 को क्या करके 41 लिखा गया है। यदि ये चीजें आप समझ लेते हैं तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा आसानी से पता कर लेंगे। यदि हम 3 × 4 करें तो 3 × 4 = 12, लेकिन यहाँ पर हमें 19 लाना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पजल है, इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, कौन सा लॉजिक लगाएंगे, यदि आप जरा सा भी ध्यान देंगे तो कुछ ना कुछ क्लू तो जरूर मिल जाएगा। देखिए, 3 × 4 करेंगे तो 3 × 12, यदि हम 3 और 4 को आपस में जोड़ लें तो 4 × 3 = 7, 12 × 7 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यदि हम 5 × 6 करें तो 5 × 6 = 30, इसके बाद इसी 6, 5 को जोड़ लेना है तो 6, 5 = 11, 30 और 11 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। इसी तरीके से यदि हम 2 और 4 का आपस में गुणा कर लें तो 2 × 8, इसके बाद फिर से इन दोनों को आपस में जोड़ देना है तो 4, 2, 6, इसके बाद गुणा करने के बाद कितना आया था, 8 आया था, और इसे जोड़ने पे कितना आया था, 6 आया था, तो 8, 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 14 आ गया। तो यहाँ पर आप 14 लिख लीजिए। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। टाइम स्टार्ट नाउ। यहाँ पर दिया गया है 22 + 4 = 24, 13 + 6 = 16, 80 + 2 = 82, 67 + 9 = क्या होगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पजल है, यदि आपने इसे 30 सेकंड से पहले सॉल्व कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं कर पाए हैं तो चलिए हम बताते हैं। देखिए, 22 है तो 22 का पहला डिजिट 2 है तो 2 को यहाँ लिखा गया है, और लास्ट में 4 है तो इस 4 को इसके पीछे लिख दिया गया तो ये हो गया 24। इसी तरीके से 13 का पहला डिजिट 1 यहाँ लिखा गया है और 6 को इसके बाद लिख दिया गया है। इसी तरीके से 80 है तो 80 का पहला डिजिट 8 यहाँ लिखा गया है, 2 इसके पीछे लिख दिया गया है। अब इसका आंसर क्या होगा, आपको पता चल ही गया होगा, 6 है तो 6 को हम पहले यहाँ लिख लेंगे, अब 9 है तो 9 यहाँ लिख लेंगे, तो यही हमारा आंसर आएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। टाइम स्टार्ट नाउ।
क्वेश्चन में दिया गया है 4, 8, 16, 5, 10, 20, 6, 12 यहाँ पूछा जा रहा है क्या होगा। देखिए जब भी आप मैथ पजल के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक देख लिया करिए, आपको क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाएगा। यदि आपने 30 सेकंड से पहले आंसर दे दिया है तो बहुत अच्छी बात है, आपका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है। यदि आप नहीं दे पाए हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए हम सिखाते हैं। देखिए यदि आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 16 है, किया क्या गया है 4 दूना में 8, 8 दूना में 16 यानी कि 2 का मल्टीप्लाई किया गया है। इसी तरीके से यहाँ 5 है और यहाँ पे 10, तो 5 दूना में 10 और 10 दूना में 20। अब यहाँ देखिए 6 है, यहाँ 12, तो 6 दूने में 12 और 12 दूना में क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा आंसर 24 आ जाएगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं किया गया है, बस जो है 2 का और 2 का मल्टीप्लाई किया गया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग पजल को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।